हेलो एवरीवन, कल रात को मैंने आपको बताया था कि मैं इसको पैक करके रख दूंगी, ज्वेलरी वगैरह, अगर टाइम मिलेगा तो। मुझे रात में टाइम मिला था जब मेरे सारे काम कर लिए थे, दख जग रहा था, आध्या भी जग रही थी, हम सभी लोग जग रहे थे। क्या करूं, और मतलब ज़्यादा ही देर में सोते हैं मेरे बच्चे, इस वजह से मुझे भी ज़्यादा देर में ही सोना पड़ता है। वैसे भी मैं लेट ही सोती हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह भी रात में ही करने का टाइम मिल पाता है, क्योंकि दिन में ये लोग दोनों बच्चे संभालना, घर संभालना, सब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। सो ये जो पाउच मैंने मंगाए थे ना ज्वेलरी वाले मीशो से, ठीक लगे, ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं और ज़्यादा अच्छे भी नहीं कहूँगी। ऑलमोस्ट इसमें मेरी हाफ से भी ज़्यादा ज्वेलरी आ गई थी, और मैंने सारी ज्वेलरी जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी है। मतलब जो सेट जिसके हैं, जिसमें चोकर, इसमें चोकर चोकर रख दिए हैं, जिसमें ज्वेलरी, मतलब वो हैं कान के इयररिंग्स, झुमका वगैरह, वो अलग रखे हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मैंने सजा दी, सजा के एक बॉक्स, ऐसा पाउचेस में रख दिए हैं। और मुझे इन सारे पाउचेस को यूज़ करके मेरे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे इतने सारे बॉक्सेस थे वो खाली हो गए हैं, और उसके साथ साथ ये जो जगह थी वो भी खाली हो गई है, और एक बड़ा सा ये पाउच पूरे में आ जाएगा आराम से। इसी बीच में इसमें साथ साथ मुझे मिल गई मेरी कमर पेटी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास दो तीन हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाली है जो कि बहुत अच्छी लगती है, अभी मैंने ये वाली एक बार नहीं पहनी है। जब मैं अपनी ननद की शादी में गई थी तो मैं इसको जालौन में ही भूल आई थी, और अजमेर पहुंच गई थी, मैं सोची थी पहनूंगी वहां पर, लेकिन वहां पे जब अपना पूरा अटैची मैंने खोल के देखी, मतलब सूटकेस मैंने खोल के देखा, तो वहां पर ये मुझे मिली ही नहीं। सो मैं समझ गई कि मैं इसको भूल आई हूँ जालौन में। खैर, किसी और ओकेजन पे पहन लूंगी, करवा चौथ पे पहन लूंगी, अच्छी लग रही है। और मैंने, पता है, और भी शॉपिंग की है ज्वेलरी की, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कभी किसी वीडियो में। मैंने कुछ करवा चौथ स्पेशल ज्वेलरी की शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत है। फिलहाल मैं इसको पैक करके रख दूंगी, अब मैं दोनों बच्चों को सुलाऊंगी, फिर जाके मैं सोऊंगी। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, अब आपको नेक्स्ट डे सुबह मिलते हैं हम। हाय गाइस, सो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो कि मैंने की है अमेजोन से। ये जो वीडियो है ये एमएचएस हॉल की तरफ से कोलाबरेशन वीडियो है। मैंने अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं, ये फैशन हॉल होने वाला है। फैशन के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई हुई हैं। फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ, दिवाली, दशहरा। सो आप लोग भी बहुत सारी शॉपिंग करेंगे अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने घर के लिए। सो अमेजोन इज़ बेस्ट, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। सो गाइज, अमेज़ॉन पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि 4 तारीख से भी शुरू है और आज से भी शुरू है। सो आप लोग ज़रूर से ज़रूर शॉपिंग करें। मैं आप लोगों को इन सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड एमएचएस हॉल का लिंक भी आपको माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ पे जब क्लिक करेंगे एमएचएस हॉल पे, माई हॉल स्टोर पे, सो आपको ये सारे प्रोडक्ट एक साथ देखने को मिल जाएंगे, प्राइस विद पिक्चर। तो आप वहाँ से जो पसंद आए आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमेजोन शॉपिंग हॉल जो कि मैंने मंगाई हुई है। चलिए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आध्या का ड्रेस। तो ये है आध्या का एक सरारा कुर्ती सेट जो कि मैंने अमेजोन से लिया है, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, ये है सरारा। मैंने आध्या के लिए इस टाइप का कपड़ा पहली बार लिया है। फैब्रिक इसका प्योर कॉटन है, फुल्ली इलास्टिक है। यहाँ पे आपको एक नड़ा भी मिल जाएगा, बिकॉज मेरी आध्या बहुत पतली है तो उसके कमर में ये ढीला होता है, तो यहाँ से को खींच के टाइट कर सकते हैं। कलर इसका नेवी ब्लू है, एंड इसमें पिंक एंड ग्रीन कलर का थोड़ा सा प्रिंट दिया गया है जो कि बहुत पसंद आ रहा है मुझे, और इसका फ्रिल भी काफ़ी है। ये देखिए, सो गाइस, ये रहा इसका सरारा और ये रहा इसका कुर्ती। कुर्ती में एक चीज़ सबसे प्यारी मुझे ये लगी, थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, ये थोड़ा सा नेवी ब्लू है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू, ऐसा कुछ है, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि उसमें सेट में ऐसा ही था। कुर्ती देखिए इस तरीके की है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी स्लीव्स जो कि इतनी प्यारी लग रही हैं। और एक चीज़ की ये अच्छी लगी कि यहाँ पर भी दी गई है पीछे से बेल्ट, बच्चों के हिसाब से ये डोरी खींच के अगर बांधेंगे तो कमर की तरफ कस जाएगा और ये टॉप जैसा बन जाएगा, नीचे ये स्कर्ट जैसा बन जाएगा और ये सरारा हो जाएगा, तो एक अलग सा लुक आता है। पहनने के बाद कैसी लग रही है आप लोग देख ही रहे होंगे, साइड में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है। सो गाइस, काफ़ी अच्छा लगा, मटेरियल इसका कॉटन है तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ये देखिए क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है।
सो सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये दिखाया है सनारा। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने अपने लिए ली है एक बहुत ही प्यारी सी सैंडल, सैंडल ही चप्पल ही बोलेंगे क्योंकि हील्स नहीं है, और मैं हील्स वाली इसलिए नहीं पहनती जो मेरी हाइट काफ़ी है, फिर मैं बहुत बहुत लंबी लगूंगी इसलिए। तो मैंने अपने लिए ये फैंसी चप्पल मंगाई हुई है, फर्स्ट टाइम ऐसी चप्पल की शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की है पहली बार। इसमें और भी कलर आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस भी लगे हुए हैं, कुछ नंग जैसे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे एक तार जैसा दिया गया है गोल्डन कलर का, और यहाँ पे अंगूठे वाला दिया गया है। सो बहुत ही प्यारी बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये, कलर भी और मिल जाएंगे और बहुत ही कम प्राइस में। मैंने फुल साइज़ लिया है, मेरा जो इसमें साइज़ है उस पर जो 9 के लास्ट में लिखा होता है वो साइज़ मेरा है, मैं वही साइज़ लेती हूँ, इसमें 42 लिखा हुआ है साइज़ में। सो ये है, बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ये हैंड पर्स जो कि काफ़ी बड़ा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पर्स हैं, मेरे क्लच भी हैं और स्लिंग बैग भी हैं, बट मैंने इस बार ये वाला इतना बड़ा क्यों लिया है मैं बताती हूँ, क्योंकि जब भी मैं दख्त को लेकर जाती हूँ, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही ना यहाँ पर, क्योंकि जब भी मैं दख्त को लेकर जाती हूँ बाहर तो मुझे चाहिए होता है काफ़ी सामान, जैसे कि उसकी पानी की बॉटल्स, की दूध की बॉटल्स के लिए 2-3 हैंकी एक्स्ट्रा रख लेती हूँ मैं, और कभी कभी एक जोड़ी कपड़े भी रख लेती हूँ, डायपर 1-2 रख लेती हूँ, नैपकिन रख लेती हूँ, कुछ अपने लिए लिपस्टिक वगैरह भी रख लेती हूँ, एक छोटा सा कोम रख लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक बोतल आधिया की भी हो जाती है पानी की। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैग चाहिए था मुझे, सो मैंने ये बाय किया है। ये देखिए कलर इसका कितना प्यारा लग रहा है, प्रिंट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पैच जैसा लगा हुआ है, यहाँ पे ये लटकन सी दी गई हुई है, प्रिंट बहुत ही प्यारा है, लेदर है यहाँ पर, ये देखिए ये है कलर इसका मेन, पीछे इसमें चेन मिल जाती है, और इसकी जो ये है ना, इसकी जो ये है ना पकड़ने वाले बेल्ट, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर दी हुई है चैन, ईजिली ऐसे गिर जाती है वरना अकड़ी अकड़ी रहती है और दूसरों पर्स की। सो यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये रहा अंदर से, अंदर भी एक चेन मिल जाती है, सारे यहाँ पे 2 चेनें मिल जा रही है, काफ़ी सामान आ जाएगा, अंदर का जो कपड़ा है वो भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक कलर का दिया गया है, अच्छा लग रहा ओवरऑल, बहुत ही प्यारा, मुझे ये बहुत पसंद आया, और महंगा भी नहीं है, बहुत ही कम रेट में है। सो आप इसे ज़रूर से ज़रूर बाई करिए अगर आप मदर हैं या फिर इस टाइप का बैग लेना पसंद करती है, और आप ये बैग ज़रूर बाई करिएगा। सो लिंक पे ज़रूर क्लिक करके चेकआउट ज़रूर करना। नेक्स्ट मैंने मंगाया है अपने लिए एक सूट, फेस्टिवल आने वाले हैं, सो सूट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए जब पहनेंगे हम। सो ये वाला सूट थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन महंगे के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, आप लोग ज़रूर बाय करिए, इतना महंगा भी नहीं है कि आप लोग खरीद ना सके त्योहारों पर। सो इसमें कलर है मेहंदी, ये थोड़ा सा ग्रीन मेहंदी कुछ कलर में है ये कुर्ता, और येलो कलर में है प्लाजो, एंड येलो ग्रीन लहरिया में ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका बहुत अच्छा है। सो गाइस इसमें और भी कलर अवेलेबल है, आप चाहे तो और भी कलर पे ले सकते हैं, येलो ग्रीन मिक्स में ऊपर नीचे कर दीजिएगा उस टाइप में। सो गाइस कपड़ा इसका कॉटन है और रियॉन दोनों मिक्स है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, ये देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कढ़ाई है, कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट है, प्रॉपर प्रिंट है, गला इसका इस तरीके का गोल है, और मैंने एक्सेल साइज लिया है, मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, मुझे एल मंगाना चाहिए था, बट ठीक है कोई नहीं। ये स्लीव्स हैं इसकी क्वार्टर हाफ, ये कोटा पट्टी का वर्क दिया गया है, और पूरा इसका कुर्ता है वो ऐसा ही प्रिंट में है, थोड़ा सा शाइनिंग प्रिंट है, पीछे भी सेम दिया गया है, पहनने के बाद इसका लुक पता चलेगा आप लोगों को। और ये रहा इसका प्लाजो जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए इसका प्रिंट आप देखिए, ये प्लाजो का एक हिस्सा देखो कितना चौड़ा है, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क दिया गया है, और ये शाइनिंग देख रहे हो कितनी अच्छी शाइन है इसमें प्रिंट में, और फुल इलास्टिक है इसमें, काफ़ी अच्छा है। और ये रहा इसका दुपट्टा, दुपट्टा बहुत अच्छा लगा मुझे, दुपट्टे पर तो दिल ही आ गया बिल्कुल मेरा, मैं इसको डाल ही लेती हूँ, इतना प्यारा लग रहा है, मतलब ये दुपट्टा ऐसा है ये हर एक सूट पे मैच कर रहा है, जैसे प्लेन कुर्ता मैंने ब्लैक पहना हुआ है इस पर भी अच्छा लग रहा है, हालांकि इसके साथ चुनरी प्रिंट की एक रेड कलर की चुन्नी है वो भी अच्छी लगती है।
सो ये रहा ये सूट जो कि बहुत अच्छा लगा। एक सूट और लिया है मैंने जो कि है ये। सो गाइज वो है ये, और ये सूट मैंने लिया था थोड़ा सा डाउट करके, मतलब नहीं अच्छा लगेगा तो वापस कर दूँगी, बट ये अच्छा लगा मुझे क्योंकि ये प्योर कॉटन है और ये ना मीरा ब्रांड का है, और मीरा ब्रांड का जो कपड़े हैं वो मैं पहन चुकी हूँ, बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, और कपड़ा धुलने के बाद, खूब सारा धुलने के बाद भी बहुत ही अच्छा निकला, इसलिए मैंने इस ब्रांड के कपड़े मंगाए हुए हैं। इसका कलर थोड़ा सा वो पैरट ग्रीन जैसा नहीं होता है तो क्रीमी एंड पैरट ग्रीन मिक्स वाला कुछ है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, यह है कुर्ता। अच्छा, ये कुर्ते में कहीं भी कढ़ाई नहीं है, पूरा प्रिंट है। सो आप लोग ये मत सोचना कि इसमें कढ़ाई दी गई है, पूरा प्रिंटेड है ये। और ये क्वार्टर हाफ स्लीव्स है, यहाँ पे थोड़ा सा पट्टी सी लगा दी गई है, बॉर्डर दिया गया है, और यहाँ पे ये पट्टी सी लगा दी है जो गले में इस तरह की डिजाइन दी गई है, ये देखिए। और ये रहा कुर्ता, पीछे भी सेम प्रिंट है, मटेरियल इसका प्योर कॉटन है, काफ़ी अच्छा है। और इसका पैंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये देखिए ये है पैंट। पैंट में क्या है कि पीछे की तरफ इसमें इलास्टिक दी गई है, आगे की तरफ बेल्ट दी गई है, और ये नड़ा भी दिया गया है। और ये पैंट है सो ढीला वाला पैंट है, एकदम पतला वाला नहीं है, चौड़ा वाला पैंट है। यहाँ पे गोटा पट्टी का वर्क दिया गया है, इसका भी मटेरियल प्योर कॉटन है, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में दी गई है ये चुन्नी, चुन्नी भी काफ़ी अच्छी लग रही है, कॉटन की चुन्नी है, और इसकी चौड़ाई इतनी है चुन्नी की। सो आजकल जो सूट आ रहा है उसकी चुन्नी की चौड़ाई इतनी ही आने लगी है, क्योंकि इतनी चौड़ाई वाली चुन्नी भी काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे पास काफ़ी सूट है इस तरीके के। सो इसकी ये वही प्रिंट दिया हुआ है जो कुर्ते में है। सो पहनने के बाद ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। सो गाइस ये थी मेरी शॉपिंग अमेजोन की, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा, इन सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज सुबह नाश्ते में ना ब्रेड सेके थे मैंने अपने लिए, इनके लिए सैंडविच वगैरह बनाई थी, रात का एक पराठा बच गया था तो मैंने ढक के टिफिन में रख दिया था, वो भी थोड़ा सा गर्म करके मैंने ले लिया है। चाय नाश्ता करने के बाद ये कुछ बॉक्सेस हैं जो अमेजोन से आए हुए थे। एक्चुअली हम लोगों ने ग्रोसरी की शॉपिंग अमेजोन से इस बार की है, इस बार क्या पिछली मंथ भी की थी, लेकिन पिछली मंथ कम सामान मंगाया था और इस बार ऑलमोस्ट ज़्यादा सामान मंगाया ही है, क्योंकि आप लोग पता है हाथ फ्रैक्चर हो चुका है मेरे हस्बैंड का, तो अभी तो ये ग्रोसरी वगैरह खरीदने अगर जाएंगे तो ऊपर चढ़ाना रखना या घर ले के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इस बार ग्रोसरी अमेजोन से ऑर्डर लगाई है तो आ भी गई है, मैं बॉक्स उठा के ले भी आई हूँ और उसको ओपन कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चीज़ें कम है और ये कागज़ ज़्यादा हैं, बहुत सेफ्टी के साथ में भेजते हैं, जैसे कि मैंने टोस्ट वगैरह भी इसी में ही ऑर्डर लगाए थे उन्होंने, तो सारे सेफ एकदम टूटे वूटे नहीं थे, अच्छे से आए थे। और यहाँ पे बिस्किट हैं, मेरे फेवरेट बिस्किट भी मंगाए हैं मेरे हस्बैंड ने, और चीनी है, चावल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गत्ता खाली होते ही दोनों बच्चे इसमें बैठ गए, लेट भी गए, इतने दोनों पतले से दुबले से बच्चे हैं मेरे दोनों, क्या करूँ, कोशिश तो बहुत करती हूँ, खाते पीते भी हैं, मांस नहीं चढ़ता है तो क्या कर सकते हैं, खैर कोई नहीं, एक्टिव होना चाहिए। इन दोनों की शरारतें आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा। अमेजोन पे ग्रोसरी की शॉपिंग करने पर डिस्काउंट भी मिलता है अच्छा खासा, सो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज आप लोग चाहें तो करें, ना चाहे तो आप लोकल शॉप से ही करें, जैसी आपकी मर्जी, मैं भी लोकल शॉप से ही करती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग, लेकिन कभी कभी मैं अमेजोन से भी कर लेती हूँ। इन दोनों की हरकतें देखी ऐसी ही हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने और रात दोपहर का जो लंच है जो बनाया था मैंने, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, इन्होंने बोला नहीं खाने का इच्छा है, क्योंकि बैठे रहते हैं, कहते हैं बैठे बैठे पेट में बस सुबह खा लो शाम खा लो तो पचता है नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है, तो इन्होंने बोला कि कोई ज़्यादा चीज़ नहीं बनाओ। इन्होंने तो सिर्फ राइस और दाल ही खाए थे, एक आध रोटी खाई थी शायद नहीं। उसके बाद शाम के टाइम पे ये चले गए थे पार्क आद्या को लेकर, अध्यक्ष सो रहा था तो मैंने बोला कि चलो आद्या को लेकर चले जाओ, वरना अध्यक्ष भी पीछे लगता है और ये ले तो सकते नहीं अध्यक्ष को, सो वो सो रहा था, लेकिन वो सोया ही नहीं ज़्यादा देर। मैंने जैसे ही थोड़ी देर बाद फेस वॉश करने गई और तुरंत वो रोते हुए उठ के आ गया, उसकी कच्ची नींद थी वो, जो कि कच्ची नींद से जग गया और आ गया मेरे पास। फिर मैं इसको ले जाकर दोबारा फिर से सुलाया और आराम से फिर वो सो गया, काफ़ी देर तक फिर सोता रहा था, लेकिन जब कच्ची नींद बच्चा जग जाता है तो थोड़ा चिड़चिड़ाता तो है ही, तो वही है चिड़चिड़ापन थोड़ा सा है। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मेरे जो ब्लाउज कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम क्या बहुत टाइम हो गया तब डाले थे,
जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था तब थोड़े से दो ब्लॉक डाले सिलने के लिए, तो उनमें से दोनों के दोनों खराब कर दिए थे टेलर ने। तो जब मैंने उसको दोबारा भेज दिया, देन उसके बाद फिर एक्सीडेंट हो गया इनका, फिर ये लेने नहीं जा पाए। इस बार वो कल जब ये गए थे एक बाइक से, भैया की बाइक से गए थे, तो वहाँ से लेते हुए आ गए थे, तो दोनों में से एक ब्लाउज सही निकला एक खराब। क्या कर सकते हैं, एक तो खराब हो ही गया है। रात में क्या बनाते डिनर में, तो सिंपल सी सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की। कभी कभी ना बहुत अच्छी बन जाती है, सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। आटा भी लगा दिया है, सिंपल सा हमारा डिनर है। तो गाइज अभी मैं सब्जी चढ़ा कर आई हूँ और आटा भी लगा आई हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसलिए बस यही बना लिया है। और चावल रखे हैं उनको भी फ्राई कर लूँगी तो थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और फ्राइड चावल मुझे बहुत पसंद है, इनको भी अच्छे लगते हैं। और हस्बैंड जी है नहीं घर पे, वो गए हैं सब्जियाँ लेने। आप लोग सोच रहे होंगे किनके साथ गए होंगे, इनके एक मित्र हैं जो कि जालौन के हैं, वही यहीं के रहते हैं, यहीं पर जॉब करते हैं, और उन्हीं के साथ बाइक पर बैठ के गए हैं। तो कुछ काम अपने खुद से करने ही पड़ेंगे, तो वो गए हुए हैं, मजबूरी है, क्या करूं, हर एक चीज़ के लिए किसी और पे अब डिपेंड रहना पड़ता है, सहारा चाहिए, सहारे के लिए मोहताज हो गए हैं, मतलब चीज़ों हर एक चीज़ पाने के लिए मोहताज है, बिल्कुल किसी हर एक इंसान पे डिपेंड हो गए हैं। अब सिचुएशन है ऐसी तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अब इस मजबूरी के साथ तो जीना तो पड़ेगा ही, खाना तो पड़ेगा ही, जैसे भी है सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, हो सकता है कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हो सकता है बहुत बुरा होने वाला होता, उससे ही बेटर है कि हाँ थोड़ा इतना ही सही दर्द दिया है, अब किस्मत में जितना दर्द लिखा है उतना तो मिलेगा ही। खैर कोई नहीं, वो गए हुए हैं और सब्जी लेकर आ जाएंगे, ज़्यादा कुछ सब्जी नहीं थोड़ी बहुत ही मंगाई है, क्योंकि आलू बहुत सारे रखे हुए हैं। अंकल जो है हमारे ओनर, वो आलू बहुत सारे ले आए थे तो उन्होंने हमको दे दिए थे, प्याज भी रखा हुआ, थोड़ी मोटी सब्जी है जो कि हरी सब्जियाँ हैं वही लेने गए हैं, ताकि और खाने के बीच में हरी सब्जियां भी थोड़ी बहुत बन जाया करें। और बस क्या करूं, बस इतना ही कहना है, ज़िंदगी अब बहुत अजीब सी हो रखी है, ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे, जल्दी से ही बीत जाएंगे, बस भगवान से दुआ करती हूँ ये समय जल्दी निकल जाए और ये जल्दी से ठीक हो जाए। हालांकि इनके जो टाके लगे हुए हैं रिकवर हो रहे हैं, मतलब बहुत सूख गए हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको प्रॉपर सूखने में टाइम लगेगा। मैं उनकी पट्टी वगैरह जो है वो मैं करती हूँ घर पर, सूखने में टाइम लगेगा, देन उसके बाद भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हाथ कैसे मुड़ना है, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो टाइम बहुत लग जाएगा, 4 से 5 महीने तो आराम से लग जाएंगे हर चीज़ को मैनेज करने में, गाड़ी को ट्रैक पे लाने में, तो ये सब चीज़ें अब सहनी ही पड़ेंगी, क्या करूँ, मजबूरी ही है। तो खैर चलिए अब मैं इस वीडियो को भी यही एंड कर देती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ में, कुछ है नहीं अब दिखाने के लिए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।